सबसे पहले प्लम पुडिंग मॉडल आया, प्लम पुडिंग मॉडल रिजेक्ट हो गया। समस्या कहाँ थी कि ये रेडिएशन आ कहाँ से रही है। फिर रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल किया, उसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम उसने दिया। ठीक है, उसमें दो प्रॉब्लम आ रही थी जो कि कंटेम्प्रेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। तो इस पे आगे विचार किया गया। नील बोहर ने फिर चीजों को ऑब्जर्व किया। एक्चुअली ऐसा देखा गया था लेबोरेटरी में, ये एक एक्सपेरिमेंट किए गए थे कि जब किसी भी गैस में से रेडिएशन पास करते हैं, जब किसी भी गैस में से रेडिएशन पास करते हैं, व्हाइट लाइट हमने पूरी पास कर दी और रिसीविंग एंड पे उसी व्हाइट लाइट के स्पेक्ट्रम को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, एक चैम्बर है, गैस भरी हुई है, उसके अंदर हाइड्रोजन भरी हुई है, एक तरफ से व्हाइट लाइट उसमें से पास कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम उसके स्पेक्ट्रम को एनालाइज कर रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि कुछ लाइनें वहां से मिसिंग होती हैं। ठीक है, मींस सम वेवलेंथ फ्रॉम द होल स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट आर फाउंड मिसिंग। ठीक है, मतलब ये पर्टिकुलर वेवलेंथ वो गैस एब्सॉर्ब कर ले रही है, इसलिए वो पार होके हमारे तक नहीं आ रही। ठीक है, अ स्पेक्ट्रम इन विच स्पेसिफिक लाइंस आर फाउंड मिसिंग व्हेन द व्हाइट लाइट इज पास थ्रू द गैस, ठीक है, सच ए स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या कहलाता है? एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लिखिए इस चीज को, व्हेन व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ गैस देन द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कमिंग थ्रू दिस गैस व्हेन एनालाइज्ड सम स्पेसिफिक वेवलेंथ आर फाउंड टू बी मिसिंग। दिस ऑल्सो मीन्स The gas is absorbing these specific wavelengths. ठीक है, such a spectrum in which specific lines are found to be missing is called an absorption spectrum. अब अलग अलग गैस में से एक्सपेरिमेंट किए गए, ध्यान से सुनना इस बात को, अलग अलग गैस में से एक्सपेरिमेंट किए, हाइड्रोजन गैस भरी, उसमें से लाइट पास की, कौन सी लाइन मिसिंग है नोट करी, ऑक्सीजन गैस भरी और फिर उसमें से लाइट पास की, फिर कौन कौन सी लाइन मिसिंग है वो नोट करी, नाइट्रोजन गैस भरी, नाइट्रोजन गैस में से लाइट पास की, कौन कौन सी लाइन मिसिंग है वो नोट करी। ठीक है, तो हर गैस के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर ली। ठीक है, अब किसी भी स्टार से लाइट आ रही है, किसी भी स्टार से लाइट आ रही है और उस स्टार के एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, उस स्टार के एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, तो वो जो लाइट आ रही है उसके स्पेक्ट्रम को जब एनालाइज कर रहे हैं तो उसमें भी अगर यही वाली लाइन मिसिंग मिल रही है, ठीक है, इसका मतलब उसके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, जिस गैस की लाइनें मिसिंग है वो वाली गैसेस उस स्टार के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो ये हम यहां बैठ के इस प्रकार से एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये नॉलेज नॉलेज ऐसे हेल्प कर। ठीक है, अब चलो, अभी हम अभी तक क्या कर रहे थे, चैम्बर में गैस भरी हुई है, व्हाइट लाइट पास कर रहे थे और रिसीविंग लाइट को हम एनालाइज कर रहे थे, तो कुछ लाइन मिसिंग मिल रही थी। ठीक है, अब इसी गैस को क्या करते हैं, जो व्हाइट लाइट इसमें से पास करे तो लाइट कट कर देते, क्या कर दिया, लाइट कट कर दी। ठीक है, अब सरप्राइजिंगली क्या हो रहा है, जो लाइन मिस हुई थी ना, अब सिर्फ वो लाइनें आ रही हैं, बाकी सारी लाइट ऑफ। इज इट पॉइंट क्लियर? जब एनर्जी आ रही थी तो गैस ने जो स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्सॉर्ब किया था, ठीक है, वो एनर्जी कट होने के बाद, ठीक है, अब वही गैस वही वेवलेंथ वापस रिलीज कर रही है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो
व्हाइट लाइट जब गैस पे पड़ी, रेडिएशन जब गैस पे पड़ी, तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक्साइट हो गए, दे वेर इन एक्साइटेड स्टेट, और जैसे ही इंसिडेंट रेडिएशन कट हो गया, अब ये मॉलिक्यूल वापस ग्राउंड स्टेट में आने लगे। तो ग्राउंड स्टेट में आने पर, ठीक है, जो उन्होंने एनर्जी एब्सॉर्ब की थी वही एनर्जी अब उन्होंने रिलीज कर, ठीक है, लिखो, व्हेन द इंसिडेंट रेडिएशन इज कट द गैस इज फाउंड टू बी एमिटिंग दोज स्पेसिफिक वेवलेंथ्स विच वर एब्सॉर्ब बाय द गैस सच अ स्पेक्ट्रम विच इज ऑब्जर्व आफ्टर एक्साइटिंग द गैस इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, दो तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं, एक वो स्पेक्ट्रम जो लाइट एब्सॉर्ब कर ले रहे जिसमें लाइन मिसिंग है वो एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है, और एक वो स्पेक्ट्रम है जो इंसिडेंट लाइट कट होने के बाद गैस अपनी एब्सॉर्ब एनर्जी को वापस रिलीज कर रही है। ठीक है, उस केस में हमें वो एमिशन स्पेक्ट्रम गैस से मिल रहा है, तो जो लाइन पहले मिसिंग थी वो ही लाइन बाद में रिलीज हुई मिल। ठीक है, हर गैस की अपनी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है जो वो एब्सॉर्ब करती है, ठीक है, और एमिशन में फिर वही स्पेसिफिक वेवलेंथ वो वापस रिलीज कर देती है। ठीक है, अब ये ऑब्जर्वेशन भी सामने थी, ये ऑब्जर्वेशन भी सामने थी, जो जो बातें रदरफोर्ड ने बताई थी वो सारी बातें थी और ये ऑब्जर्वेशन भी सामने थी। तो नील बोर ने करीब एक साल तक रदरफोर्ड के साथ काम किया, ठीक है, उसकी लैब में उसी के साथ काम किया उसने, और पूरा कन्विंस हो गया कि जो जो ऑब्जर्वेशंस रदरफोर्ड ने बताई हैं वो सारी इनफैक्ट वैसी ही हैं, ठीक है, मगर जो लिमिटेशन है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की वजह से आ रही, जो उस मॉडल को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, बाकी सब चीजों को एक्सप्लेन कर पा रही है मगर एटॉमिक लेवल में जाके वो उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। इसका मतलब एटम के अंदर कुछ और ही चल रहा है जो अभी हमसे ओझल है, साइंटिस्टों की ज्ञान में नहीं है, तो उन्होंने कहा जी लकीर से हटके सोचना पड़े, जैसे आइंस्टाइन ने ड्यूल नेचर के लिए सोचा था। ठीक है, तो नील बोर ने इन सब ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए तीन पॉस्टुलेट्स हमें दिए, ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग टू एक्सप्लेन द मॉडल ऑफ हाइड्रोजन ही कॉइंड थ्री पॉस्टुलेट्स। ठीक है, तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बोर ने पहला पॉस्टुलेट ये दिया कि ये पॉसिबल है, जैसे प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट में स्टेबल हैं, ठीक है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे ऑर्बिट हो सकते हैं जहां पे वो स्टेबल हों और कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रिलीज ना करते हों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कह रही है रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सीलरेटेड पार्टिकल, देयरफॉर दे शुड रेडिएट देयर एनर्जी। अब बोर कह रहा है नहीं, कुछ कुछ ऑर्बिट्स ऐसे हैं जिसमें वो बिना एनर्जी रिलीज करे रह सकता है, ये अजम्पशन थी उसकी, पहला पॉस्टुलेट था, मान के चल रहा कि ये हो सकता है ऐसा ही है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉस्टुलेट देर आर सर्टेन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स इन विच एन इलेक्ट्रॉन कैन रिमेन विदाउट रेडिएटिंग एनी एनर्जी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है बेटा। अब सेकंड जो पॉस्टुलेट है उसमें वो इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम को रिलेट करता है। ठीक है, देखो, अकॉर्डिंग टू सेकंड पॉस्टुलेट द ऑर्बिट्स इन विच इलेक्ट्रॉन कैन बी स्टेबल आर सच दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई, मीन्स
एंगुलर मोमेंटम एल इज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई। अब स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, तो स्टेबिलिटी के एंगल से देख रहे हैं, जो कंटेम्प्रेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कह रही थी कंजर्वेशन ऑफ इसके एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से, अगर उसका रेडियस छोटा हो रहा है तो उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़नी चाहिए। अब फ्रिक्वेंसी तो बढ़ नहीं रही, फ्रिक्वेंसी बिल्कुल रॉक सॉलिड है। आप जितनी बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वही सेम लाइन सेम गैस से आपको मिसिंग मिल रही है और वही एमिटिंग होती मिल रही है, ठीक है। तो इस स्टेबिलिटी को देखते हुए फिर थर्ड पॉस्टुलेट इस प्रकार से कॉइन किया गया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, सुन लो पहले समझो इसको, कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करके, ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे जंप कर सकता है। ये एक एनर्जी लेवल है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर काट रहे, ठीक है, इसने एनर्जी एब्सॉर्ब की, चाहे हीट से की, चाहे फोटोन से की, चाहे किसी भी चीज से की, ठीक है, एनर्जी गेन करके वो अब नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे चला गया और यहाँ पर अब इस एनर्जी लेवल पे वो ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। इट इज पॉसिबल दैट इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब्स एनर्जी एंड जंप्स टू द हायर एनर्जी लेवल, जो नेक्स्ट स्टेबल ऑर्बिट है वहां पे जंप करके जाएगा, बीच में नहीं रहेगा, नेक्स्ट स्टेबल एनर्जी के ऑर्बिट पे जाएगा और वहां पे फिर चक्कर काटेगा, ठीक है। पहला लेवल ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो यहां से यहां भी जा सकता है, चौथे पे भी जा सकता है, यहां से तीसरे पे भी जा सकता है, उतनी एनर्जी मिलेगी तो जा सकता है, ठीक है। जितनी एनर्जी ली, एब्सॉर्ब की, और वो एनर्जी उसको किस लेवल तक एक्साइट कर सकती है, उस लेवल तक ये इलेक्ट्रॉन जंप मार के जा सकता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्साइटिंग। तो तीसरा पॉस्टुलेट क्या कह रहे, कोई भी इलेक्ट्रॉन, समझो इधर, कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्साइट करके हायर एनर्जी स्टेट पे जा सकते हैं, ठीक है, जब तक उसको एनर्जी मिल रही है तब तक वो यहीं पे रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो नीचे आएगा दोबारा एनर्जी मिल जाएगी फिर वहीं भागते, अब पीछे से एनर्जी आनी बंद हो गई, ये क्वाइट पॉसिबल है क्योंकि एक्साइटेड लेवल में, ये इसका स्टेबल ऑर्बिट बेशक है मगर इसकी स्टेबल स्टेट नहीं है ये। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट क्लास में स्टेबल कैसे बैठ के पढ़ सकता है, चेयर पे बैठ के पढ़ सकता है, अगर टीचर उसको खड़ा कर दे तो वो अनस्टेबल होगा, फिर डिस्कम्फर्ट है उसके पास, ठीक है, वापस उसको स्टेबल होना है तो उसको सीट पे बैठना ही पड़ेगा, फिर बैठ के वो काफी देर तक पढ़ सकते हैं। तो इट इज समथिंग लाइक दिस, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, हायर लेवल पे चला गया, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, दोनों स्टेबल है, मगर जब तक यहाँ पे भरा हुआ नहीं है लेवल तब तक इसको पूरी अपॉर्चुनिटी की ये वापस लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा। तो जब ये यहां से वापस आएगा, जितनी एनर्जी इसने एक्वायर की थी उतनी ही एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन वापस रिलीज करेगा, 10 रुपए लेके यहां से यहां गया था, यहां से यहां पर आएगा तो 10 रुपए वापस, जितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके यहां गया था यहां से यहां वापस आएगा तो उतने ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वो रिलीज करेगा। अब ये एनर्जी रिलीज कैसे हो रही है, दिस एनर्जी इज बिग रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ए फोटोन, फोटोन के रूप में ये एनर्जी रिलीज हो रही है क्योंकि तो गैस से हमें रेडिएशन आती हुई मिल रही है, रेडिएशन के रूप में एनर्जी रिलीज हो रही है और उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, दैट विल बी गिवन बाय द डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स, वहां से एनर्जी मिली एंड दैट एनर्जी इज इक्वल टू एच टाइम्स न्यू, जो कि फोटोन पिक्चर में हमने पढ़ा, ये समझ में आई, दिस इज थर्ड पॉस्टुलेट, ओके, लिखो स्टेटमेंट में, भाषा में लिख लो इसको, एवरी इलेक्ट्रॉन कैन एब्सॉर्ब सम एनर्जी विच इज सफिशियंट टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन टू द नेक्स्ट स्टेबल एनर्जी ऑर्बिट, ठीक है, दिस इलेक्ट्रॉन इज सेट टू बी एन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, देखो दिस इलेक्ट्रॉन इज एन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू इट्स ग्राउंड स्टेट और सम इंटरमीडिएट स्टेबल एनर्जी स्टेट, इट रिलीजेस द एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ द टू ऑर्बिट्स, ठीक है,
दिस एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन हुज फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय एच न्यू इज इक्वल टू ई आई इनिशियल एनर्जी लेवल माइनस फाइनल एनर्जी लेवल। अब तीन पास्टुलेट बता दिए उसने, अभी ये समझ के हम काम करेंगे, इसको इसको लेके आगे चलेंगे। तो सारे साइंटिस्ट कह रहे हैं ठीक है कर, देखते हैं क्या करके दिखाते। तब तो कोई बोल ही नहीं रहा था, किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो कुछ रिजल्ट निकाल कर दे ही देगा। ठीक है, बट ये भी स्मार्ट था, साइंटिस्ट था ये भी, इसने अपनी तिगड़म लगाई, इन अजम्पशंस को लेके आगे चला। ठीक है, और फाइनली वो रिजल्ट निकाल के दिए जो कि दिखाई दे रहे थे। ठीक है, अब हम उससे बात करेंगे। इससे पहले हम कुछ रिलेशंस कर चुके हैं, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट, ये माइनस वन अपॉन एट पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर, कुछ ऐसे आया था। एक और रिलेशन हमारे पास जो था वो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये वाला था। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, अब ये यूनिवर्सल है, किसी भी सर्कुलर मोशन को स्टेबल होने के लिए तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज ऐसी हमारे पास। अब यहाँ पर ये जो आर है रेडियस, उस बोर का सॉरी उस ऑर्बिट का रेडियस कैसे पता लगाएं, इससे पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो आर ले आते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो यूजिंग दी बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ सर्कुलर मोशन वी कैन राइट एम वी स्क्वेयर अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर अपॉन आर। सो रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज आर इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर अपॉन एम वी स्क्वेयर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब समस्या क्या है, इलेक्ट्रॉन दिखता तो है नहीं किसी को, उसकी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो ये वेलोसिटी का क्या करें, वेलोसिटी हटानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर जो उसका सेकंड पोस्टुलेट था बोर ने जो दिया था उसको यूज किया गया। वो तो क्या था, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई। ठीक है, मीन्स एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। यहां से वी की वैल्यू क्या मिली बेटा, एन एच अपॉन टू पाई और एम बाय आर, नहीं एम आर वन अपॉन एम आर। तो वी पुट दिस वैल्यू ऑफ वी इन दिस वेलोसिटी। ठीक है, इस वेलोसिटी में ये v की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दें, यहाँ पे हम कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लेके चल रहे हैं, n। ठीक है, वो बात अलग है, ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के अंदर उसकी n की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, वो हम 1 भी डाल सकते हैं 2 भी डाल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी जरूरत है, किस स्टेट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, एन की वैल्यू उसके हिसाब से आती है। ओके, तो क्योंकि हम देखो ध्यान से यहाँ पे एन की वैल्यू हम लेके चल रहे हैं, एन लेके चल रहे हैं, तो हम एनथ ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रेडियस भी कौन से ऑर्बिट का मिलेगा, फिर एनथ एनथ का मिलेगा। तो इस आर को फिर आर एन से रिप्रेजेंट कर। ठीक है, बिकॉज वी आर टेकिंग दिस एन, तो आर शुड बी रिटन एज रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट। ठीक है, तो कंसिडरिंग दिस वी जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हेयर इन दिस रिलेशन, व्हाट डू वी गेट, आर एन, ये भी आर टू आर एन लिखेंगे, इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन एम
ठीक है, इस पूरे को रेसिप्रोकल करके स्क्वेयर करो, हो जाएगा 2 पाई अपॉन एन एच का स्क्वेयर, और ये हो जाएगा एम टाइम्स आर एन स्क्वेयर। अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे आर एन स्क्वेयर बन गया, इधर आर एन है हमारे पास, ये कट जाएगा, ठीक है, और हमें उस आर की वैल्यू निकालनी है, एक कट जाएगा और हमें उस आर की वैल्यू निकालनी है। गेटिंग मी? हाँ बेटा, तो एम स्क्वेयर आर एन स्क्वेयर लिखो, एक आर एन काटो और आर एन की वैल्यू क्या आ रही है वो बताओ। एक एम भी कटेगा, फोर पाई स्क्वेयर, तो फोर भी कटेगा, एक पाई भी कटेगा। सो सिंप्लीफाइंग वी गेट आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर अपॉन एन एच अपॉन 2 पाई होल स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ 4 कटेगा, अभी काटा नहीं है, अपॉन ई स्क्वायर। ये वाली चीजें आ रही, देखो 4 पाई का, हाँ ओके। सो दिस आर एन इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाई एम एच स्क्वायर अपॉन 4 कट गया, पाई रह गया, एप्सिलॉन नॉट अपॉन। अब हम क्या क्या चीज करने की कोशिश कर रहे हैं, बोर को क्या एक्सप्लेन करना था, रेडिएशन कहां से आ रही है, समस्या क्या थी, ये गैस में से रेडिएशन कहां से आ रही है, इसका जवाब देना था। तो अब रेडिएशन कहां से आ रही है, उसका थर्ड पोस्टुलेट दिया उसने कि एनर्जी रिलीज होगी तो वो एच न्यू की फॉर्म में आएगी, तो एनर्जी का फॉर्मूला चाहिए ना फिर हमें। अब हमें एनर्जी के फॉर्मूले में रेडियस को सब्स्टिट्यूट करना, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज -1 अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर अपॉन rn। तो ये पूरा फॉर्मूला rn में यहां पुट करो, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वायर। सो दिस इज माइनस एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ठीक लिखा है मैंने? अब इसको ध्यान से देखें, क्या हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है? क्या हमें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता है? हमें h की वैल्यू पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी पता है, तो सारे तो कांस्टेंट हैं। n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 हमें पुट करनी है, मतलब n पे डिपेंड करता है एनर्जी, तो n पे डिपेंड करेगा। हम अभी n को, n हमारे पास वेरिएबल रखते हुए बाकी सब कांस्टेंट की वैल्यू डाल देते हैं। तो लिखेंगे हम सब्स्टिट्यूटिंग, अभी रुको रुको, सब्स्टिट्यूटिंग All constants, we get En is equal to -13.6 electron volt upon n square. ठीक है, किसके लिए काम कर रहे हैं हम? हाइड्रोजन के लिए काम कर रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं ना, ई स्क्वायर लेके चल रहे, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ध्यान रखना ही हाइड्रोजन के लिए काम कर रहे हैं, नहीं तो यहाँ जेड आता, फिर न्यूक्लियस में चार्ज होता जेड इंटू ई, फिर जेड आता। अभी हम जेड को 1 मान के चल रहे हैं, तो हाइड्रोजन के लिए काम कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है, इन ग्राउंड स्टेट, देखो इन ग्राउंड स्टेट वैल्यू ऑफ एन इज 1, ठीक है, सो द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो माइनस है यहाँ पे, निगेटिव साइन क्या बता रहे, द इलेक्ट्रॉन इज स्टेबली बाउंड विद द न्यूक्लियस, नेगेटिव साइन सिग्निफाइज दैट इलेक्ट्रॉन इज स्टेबली बाउंड विद द न्यूक्लियस, ठीक है। इफ वी सप्लाई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी टू दिस इलेक्ट्रॉन, तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो, और वो जीरो एनर्जी कहां पर होती है, इन्फिनिटी की, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन
अपने प्रोटॉन को छोड़ के चला जाएगा। हाँ ठीक है, और हम क्या बोलेंगे, देखो गैस आयोनाइज हो गई, देखो गैस आयोनाइज हो गई। तो गैस की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या बनी फिर, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आगे लिखें, व्हेन दिस एनर्जी इज सप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉन इट एस्केप्स द न्यूक्लियस लीविंग द गैस आयोनाइज्ड, देयरफॉर दिस एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। अब जरा और चलते हैं आगे, इसको रब कर दूं बेटा, शुड आई रब दिस। मान लो ये एनर्जी स्केल स्केल, ठीक है, तो यहां पे n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए कितनी एनर्जी है ये, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है, तो सेकंड ऑर्बिट की क्या होगी, n स्क्वायर 2 टू दी 4, 13.6 अपॉन 4, साथी हमारे चार चक्स 3.4 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर थर्ड लेवल पे गया तो 9, तो 13.6 अपॉन 9, एन इज इक्वल टू 3, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13 से सीधा कहाँ गया, 3 पे गया, 3 के बाद कहाँ गया, 1.5, इसके लगभग आधे पे चला गया। ठीक है, अब इसको अगर 4 डाल देंगे, n is equal to 4, कितना हो जाएगा ये, 0.8 -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऐसे रिड्यूस होता जाएगा, मतलब ये जो डिस्टेंस है घटता चला जाएगा, और रिड्यूस होते होते when n is equal to infinity -0.85, तो जीरो लेवल कहाँ होगा, यहाँ पे कहीं जीरो। ठीक है, इसे जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मगर जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें कहाँ मिल रहे, एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, मतलब यहाँ से यहाँ तक सारे लेवल क्राउड हो गए, एन इज इक्वल टू 4 से लेके 8 के बीच में सारे के सारे लेवल क्राउड हो गए, भीड़ लग गई है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो 4 से हम कहाँ जा रहे हैं, इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, दिस इज इन्फिनिटी। ठीक है, इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन आ जाए, जितनी मर्जी एनर्जी रखे, धीरे चले, तेज चले, ना चले, जितनी भी एनर्जी हो सकती है ना इलेक्ट्रॉन की, इसके बाद तो इसके बाद जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअस होती है, इसके बाद की एनर्जी है कंटिन्यूअस, ये तो स्पेसिफिक लेवल्स हैं, इसके बाद कंटिन्यूअस एनर्जी, तो जो कंटिन्यूअस एनर्जी स्टेट होगी इलेक्ट्रॉन की, दैट इज कॉल्ड एनर्जी कंटिन्यू, एनर्जी कंटिन्यू, कंटिन्यूअस एनर्जी फैली होती है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। नॉर्मल इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है, एन इक्वल टू 1 में होता है। ठीक है, अगर उसको एन इक्वल टू 2 ऑर्बिट पे जंप मारना है तो उसको कम से कम कितनी एनर्जी मिलनी चाहिए, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जंप एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट। ठीक है, तो डेल्टा ई कितना है, ई एफ माइनस ई आई, कहाँ जाना है उसको, कहाँ जाना है, ई टू पे जाना है कहाँ पे, 1 पे। ई टू का एनर्जी लेवल कितना है, -3.4, माइनस ई वन का कितना है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सॉल्व करके बताओ कितना आ गया, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज पॉजिटिव। बेटे समझ में आया, सोनम को समझ में आया ये, यस सर, वेरी गुड बेटा। अगर इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी का फोटोन मिल जाता है और उसकी सारी एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेता है तो यहाँ से जंप मार के यहाँ पर आ जाएगा, और इसमें तब तक रहेगा जब तक उसकी श्रद्धा है। ठीक है, कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो वापस यहाँ पे डाउन ट्रांजिट कर सकता है। ठीक है, तो एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल ऐसे निकालना होता है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम फर्स्ट लेवल टू थर्ड लेवल, तो बताओ फर्स्ट लेवल से थर्ड लेवल पे जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए उसको,
डेल्टा ई 1 2 3 इज ई 3 माइनस ई 1 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस सर, यही आ रहा है। ये वाले सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं आपको, ठीक है सर? इजी है ना। अब ये लेवल अगर आपको पता है, वो फॉर्मूला माइनस 13.6 अपन एन स्क्वायर वाला पता है, तो फिर ये फटाफट कर सकते हो, ठीक है? और अगर ये याद नहीं है तो बेटा एम की वैल्यू डालो, ई की वैल्यू डालो, पावर 4 करो, सारी पापड़ बेलो, और फिर 13.6 आता ही नहीं आता, वो भगवान जाने, ठीक है? तो ये याद करने की चीज है, इसलिए इसको याद कर लो। यहाँ तक समझ में आ गया? चलें आगे, ठीक है? अब सब साइंटिस्टों को बुला लिया नील बोर ने, आ जाओ मैं बताता हूँ कहाँ से आ रही है लाइन, ठीक है? सबको कॉल कर लिया। कॉल करने के बाद क्या बोले वो, देखो सारे इलेक्ट्रॉन एक्साइट कैसे होते हैं, फर्स्ट से सेकंड पे ऐसे जाते हैं, फर्स्ट से थर्ड पे ऐसे जाते हैं, फर्स्ट से फोर्थ पे ऐसे जाते हैं कहीं, और सेकंड से फोर्थ पे जाना है तो फिर इसका एनर्जी डिफरेंस चाहिए, वो जाएगा, ठीक है? अब अगर ये इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट में आ रहे, ठीक है, तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, मैंने थर्ड पोस्टुलेट दिया, एच न्यू इज इक्वल टू ईएफ माइनस ईआई, ईआई माइनस ईएफ, इनिशियल से फाइनल किस पे आ रहे, उतनी एनर्जी रिलीज करेगा वो, ऊपर जाने के लिए एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहे, तो ईएफ माइनस ईआई, ऊपर से नीचे आने के लिए उल्टा कर रहे, माइनस करेगा ना, ठीक है? तो इसलिए ईआई माइनस ईएफ, ठीक है? तो हाँ बेटा, जब E का वैल्यू जीरो रहेगा तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा? हाँ फ्री आजाद रहेगा, okay, फिर उसका किसी किसी न्यूक्लियस के साथ कोई संबंध नहीं, ओके, ठीक है? तो सेकंड से फर्स्ट पे जाना है, एनर्जी रिलीज बाय गोइंग फ्रॉम सेकंड लेवल टू फर्स्ट लेवल इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन, ठीक है? तो कितनी एनर्जी रिलीज की उसने, E2 माइनस E1, तो माइनस 3.4 माइनस माइनस 13.6, ये वापस वही आएगा जो एब्सॉर्ब करके गया था 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको एच न्यू के साथ कंपेयर करो, इसको एच न्यू के साथ कंपेयर करो एंड सॉल्व फॉर न्यू, न्यू इज इक्वल टू 1/h इंटू 10.2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब ये फ्रीक्वेंसी है इसलिए हर्ट्ज, ठीक है? ये सॉल्व कर देना, सुनो ध्यान से, ये सॉल्व करके यहां से फ्रीक्वेंसी आई एंड C इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, C क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, तो C अपॉन न्यू करने से वेवलेंथ मिल जाएगी, और ये वेवलेंथ जो कैलकुलेट करके आई थी ऑब्जर्व्ड वैल्यू के 3 डेसिमल प्लेस तक मैच कर रही, मतलब कह सकते हो परफेक्टली मैच कर रही थी। अब ये सारे साइंटिस्टों को पता लग गया ये रेडिएशन आ कहां से रही है, ये समझ में आया? तो ऑल साइंटिस्ट नाउ न्यू कि रेडिएशन आ कहां से रही है, ठीक है? अब जेलसी तो होगी, जेलसी भी होना स्वाभाविक है, हमें तो समझ में नहीं आया, इसने तो कर भी दिया। अब वो उससे पूछे बताइए सेकंड पोस्टुलेट कहां से आया, एल इज इक्वल टू एम वी आर, वो वाला एम वी आर इज इक्वल टू एन टाइम्स एच अपॉन 2 पाई, वो कहता है ये मुझे नहीं पता कहां से है, ये मेरी गट फीलिंग है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है? ये वही धर्म संकट था जो न्यूटन के साथ हुआ था, ग्रेविटेशन लॉ तो दे दिया, जी की वैल्यू तो बताओ, वो उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम, ठीक है? तो सेकंड पोस्टुलेट की एक्सप्लेनेशन करीब 8 साल बाद डी ब्रोगली ने दी थी।